सिख संगठन वारिस पंजाब दे के मुखी अमृतपाल सिंह की ओर से अजनाला पुलिस को दी गई धमकी के बाद अमृतपाल के हजारों समर्थकों ने तलवारों और बंदूकों के साथ अजनाला थाने पर हमला कर दिया। अमृतपाल के समर्थकों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। इस दौरान अमृतपाल के समर्थकों ने कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ बुरी तरह मारपीट भी की। कुछ गाड़ियां भी भीड़ में शामिल लोगों की ओर से तोड़ी गई हैं। जैसे ही भीड़ ने पुलिस नाकों पर हमला किया तो वहां तैनात पुलिस कर्मचारी पीछे हट गए। बता दें कि अमृतपाल और उसके समर्थक मार्च करते हुए थाने के बिल्कुल बाहर पहुंच गए और अमृतपाल के समर्थकों ने थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। अमृतपाल ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। पुलिस अधिकारी अमृतपाल के समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। अमृतपाल और उसके समर्थक एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि उनके ऊपर दर्ज FIR को रद्द किया जाए और जो दो आदमी उनके पकड़े गए हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए। अमृतपाल सिंह ने कहा कि केवल एक राजनीतिक मकसद से प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगर वो एक घंटे में मामले को रद्द नहीं करते तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये शक्ति प्रदर्शन जरूरी था। आपको याद दिला दें कि ये वही अमृतपाल है जिसने देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी। अमृतपाल सिंह का परिवार दुबई में रहता है। पंजाब में उन पर खालिस्तान का मुद्दा भड़काने का आरोप लगता रहता है। जब उन्हें वारिस पंजाब दे संगठन में भूमिका मिली तो केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो गई। बताते हैं कि कुछ महीने पहले केंद्र ने राज्य से रिपोर्ट भी मांगी थी। VK News, राष्ट्र के नाम।